नमस्कार दोस्तों, डीडी रियाड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, एक वीडियो की बड़ी मेरे पास डिमांड आ रही थी। कई लोगों ने मुझे इसके लिंक्स भेजे और कहा कि भाई आप इस पर जरूर रिएक्शन दें। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और वो इंडिया आए थे कवर करने। अब्बास शब्बीर साहब की बात नहीं कर रहा, ये दूसरे हैं और ये BBN स्पोर्ट्स नाम का चैनल है, उनके जर्नलिस्ट हैं और वो आए थे कवर करने। और वो बेंगलोर में गए शायद डॉलर एक्सचेंज करने के लिए। तो वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ और क्या उन्होंने देखा, क्या पाया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप ज़रूर इस पर रिएक्ट करें, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अब यहाँ से, क्योंकि बेंगलोर से निकलना है कोलकाता के लिए और मैं अपना होटल का बिल पे करने के लिए नीचे आया हूँ, तो मेरे पास है US डॉलर्स। तो होटल में तो खैर उसका रेट कोई डिफरेंट होता है। अब मैं एक फॉरेन एक्सचेंज जा रहा हूँ यहाँ बेंगलोर में, और पाकिस्तान में डॉलर का रेट क्या है वो आपको मालूम है, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके सामने डॉलर चेंज करवाता हूँ आज। सो करेंसी चेंज करवाने के लिए मैं दोबारा चर्च स्ट्रीट वापस आ गया हूँ। मुझे एयरपोर्ट की तरफ भी फटाफट निकलना है। मैंने अभी गूगल पे चेक किया है, 83 डॉलर का रेट आ रहा है इंडिया में, 83 रुपये, 83 रुपीस। अब ये पता नहीं सेलिंग का रेट था कि बाइंग का रेट था, ये मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैं इस कामों में ज़रा इतना जो है ना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ। और पाकिस्तान का मैंने गूगल करके डॉलर का रेट चेक किया, 278 रुपये। कहाँ 278 और कहाँ 83। तो ये कंपैरिजन है डॉलर का, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर जो है वो जो मार्केट के अंदर माफिया बैठा हुआ है वो डॉलर के रेट के साथ ना खेलता है, क्योंकि वो अपने पैसे रखते हैं डॉलर के अंदर और अपनी करेंसी बाहर रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये तो नहीं है, तो अपनी करेंसी वो रखते हैं डॉलर्स में, तो वो रेट आगे पीछे मार्केट में जब करते हैं उसके, तो इनके ना पड़े पड़े पैसे बढ़ जाते हैं। सो जो यहाँ इंडिया में भी सुनते हैं काला धन सफेद कैसे किया जाता है या ये वाला धन कैसे होता है, तो ये साइंस उधर भी है। और सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं, क्योंकि आप डॉलर के रेट के साथ खेलते हैं, इनके पैसे बढ़ जाते हैं और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब यहाँ 83 रुपये का डॉलर गूगल पे आ रहा है, अब मुझे मिलता कितने में है ये मैं अभी देख रहा हूँ। टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे पास और मैं किसी फॉरेन एक्सचेंज की शॉप पे जाके तो चेंज करवाना चाह रहा हूँ फटाफट। 278 और 83 का रेट आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान का, 278 और इंडिया में 83 रुपये, 83। दोस्तों ये मेरे पास $500 हैं, ठीक है, और मैं ये चेंज कराने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट एयरपोर्ट की तरफ भागना है और उस्मान साहब की मेरी फ्लाइट है कोलकाता के लिए। तो अब हम आए हैं यहाँ पर डॉलर चेंज कराने के लिए, तो अब मैं डॉलर चेंज कराने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस बैठा हूँ। तो जो मैं इनसे डील करता हूँ कि देखते हैं कितने में ये डॉलर जो है ना इंडिया में डॉलर का रेट क्या है, अभी आप सबको पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो जाएगा। सो मैं आ गया हूँ सर जी, ये $500 पकड़िए, गिनती कीजिए, ये अंकल सरगम अमरीका साहब के डॉलर हैं। मुझे बताया रेट क्या दे रहे हैं आप हमें? 84 सर। 84, वेरी गुड। 83 तो गूगल पे आ रहा था, 84 हमें रेट मिला है। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में 278 रुपये का डॉलर है, 300 भी हमारे यहाँ ट्रिपल सेंचुरी मार रहे हैं, तो यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे कितने अरसे में होता है? वो मतलब एवरीडे चेंजेस होता रहता है। नहीं लेकिन कितना फर्क कितना पड़ता है, 1 रुपया, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, कितना रेट आगे नीचे गिरता कितना है यहाँ? 20 पैसे, 30 पैसे, उतना ज्यादा नहीं है, डॉलर में कोई उतना डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो 84 है, अगर, 83 अगर, है जो... अगर अभी अगर डिमांड ज्यादा डॉलर हो जाएगा 85-86 भी चला जाता है, डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कैसे। क्योंकि मैंने जिस दिन बॉर्डर क्रॉस किया था, मैंने जैसे उस दिन 87 रुपीज था, मैंने अमृतसर एक रोड से 87 पे, इसलिए 89 भी रेट था, 89 भी था दो महीने पहले, 89 भी रेट था, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता कैसा है, लेकिन रहता इसी है 88 के अंदर ही है। ऐसे ही मार्केट में जब करेंसी ज्यादा आता है तो अगर कोई बाहर नहीं जाता है तो रेट ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। ओके, तो सुन लिया आपने भैया, आप इंडिया के अंदर जो रेट है, आप ये हमारे मेरे पैसे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने होटल का बिल पे करना है और सारे पैसे मेरे खर्चे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि एक्चुअली डॉलर्स का रेट आपको बेसिकली बताना था। अब डॉलर का रेट जो है ना वहाँ यहाँ पर है 84 रुपये,
और ये है इंडियन करेंसी, ये हमें उसके बदले मिल रही है। तो भाई जान 278 रुपए पाकिस्तान में रेट। यहाँ ब्रिटिश पाउंड का रेट क्या है? ब्रिटिश पाउंड प्राइवेट में जाता है 105, एक्चुअली रेट है 102। 102 रुपए का? 102 रुपए पाकिस्तान में 350 से ऊपर है यार ये। सो ये देखें, ये रेट मिला है मुझे US डॉलर्स का इंडिया के अंदर, और भैया हमें पैसे में मिल गए। अब हमने भागना है एयरपोर्ट की तरफ। सो बताने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स का रेट है, हमारे यहाँ जो डॉलर्स का जो फॉरेन करेंसी का माफिया बैठा है, क्योंकि मैं ट्रेवलिंग करता हूँ अक्सर और मुल्क से बाहर जाते हुए जो डॉलर लेने जाता हूँ, मुझे पता ही है हमारे से टिकट मांगते हैं, वीजा मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, आईडी कार्ड मांगते हैं, उसके बाद जाके ये हमें डॉलर्स देते हैं। और ये खुद क्या करते हैं कि ये बोरियों में पैसे भर के बाहर भेजते हैं और खुद ये डॉलर का रेट ऊपर नीचे करते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज वाले। और इसमें बहुत बड़े 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 नाम लोग इन्वॉल्व हैं, और उससे क्या होता है कि मुल्क की इकोनॉमी का ये नुकसान करते हैं। हाँ जी भाई, बेंगलोर में आपने चेक कर लिया रेट? वो सामने चर्च स्ट्रीट है और रेट मिला है 84 रुपये। तो 84 रुपये का जो रेट है भाई, उससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि करेंसी हमारे यहाँ, मुझे फिर मेरा दिल चाह रहा है गुस्से में बोलने का उन लोगों का कि जो फॉरेन एक्सचेंज का माफिया है। इमरान खान के ज़माने में डॉलर को लॉक लगा हुआ था, उन्होंने लॉक लगा के रखा हुआ था, ठीक है। बाद लोग कहते हैं कि जी वो गैर ज़रूरी लॉक था, अननेसेसरी लॉक था, फ्यूल का भी उसका भी। लेकिन भाई ये हमारे साथ वाला मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे सामने हमारे साथ आज़ाद हुआ है। यहाँ साला डॉलर 84 रुपये का है, अमरीकियों वाला डॉलर, और हमारे पास है 278 रुपये का। तो अब ये इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हाथ तो डलेगा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज में जो होते हैं SEC, पता नहीं कौन सा एक इदारा है पाकिस्तान का, वो भी एक दफ़ा सुना था कि उसका भी कोई चक्कर है बीच में। तो ये फॉरेन करेंसी जो बाहर जाती है, उसको कंट्रोल करने फिर ये सिर्फ एक दफ़ा चाबी टाइट इनकी कर दी जाए तो ये डॉलर साहब जो है ना, ये नीचे आ जाएंगे। वो फेक मार्केट है, उसके अंदर ये रेट को ऊपर नीचे मारते हैं, जिससे ये हाल हो जाता है हमारा कि हमें डॉलर मिलता है 278 रुपये में। यार गज़ब खुदा का, खुदा की कसम 84 रुपये का यहाँ पर डॉलर है। सो डॉलर का रेट मैंने आपको बता दिया है, चेंज करा लिया हमने डॉलर, और अब हम भाग रहे हैं अपने होटल, वहाँ से लगेज उठाने हैं और भाग जाना है हमने सीधा एयरपोर्ट की तरफ। सी यू गाइस। चलिए वीडियो ख़त्म हो गया, और ये वीडियो पाकिस्तानियों की आंखें खोलने वाला है, और मैं कहता हूँ कि भारत में भी जो लोग हैं ना, उनकी भी आंखें खोलने वाला है कि अगर आप रेडिकलाइजेशन की तरफ जाएंगे, अगर आप आपका माइंडसेट जो है वो रेडिकल होता जाएगा, तो जो पाकिस्तान का हाल हुआ है ना, वही हाल हर किसी का हो जाएगा। पाकिस्तान की हालत जो इस वक्त है, पाकिस्तान की हालत क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत सिखाई गई, वहां पीढ़ी दर पीढ़ी दिमागों को रेडिकलाइज किया गया। जो अभी पाकिस्तान में 3-4 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं, वो तीनों चारों पीढ़ी बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, उनके दिमाग में वो चीज फीड कर दी गई, वो हट नहीं सकती, इस कदर रेडिकलाइज्ड है। तो उसका असर तो दिखेगा, आप कोई पॉजिटिव चीज नहीं सोच पाओगे। आप सोचो कि पाकिस्तानी हैं, इनको कैसा फील हो रहा होगा ये देख के कि यार एक डॉलर जो है वो इंडिया में 84 रुपए में मिल रहा है, और यही एक डॉलर अगर मैं पाकिस्तान में जाऊं 278 रुपए का मिल रहा है, तो कितना अपने आप को अंदर उसको दर्द हो रहा होगा कि मेरे देश के साथ हुआ क्या है। 76 ईयर्स हो गए, आप कश्मीर आजाद करेंगे, इसकी बात करते हैं, आपके पास तो बिजनेस भी है, सीपोर्ट्स भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं, 76 ईयर्स में आप ना संभाल पाए, अपनी कंट्री को ना संभाल पाए, आज आपके कंट्री के लोग पड़ोस वाली कंट्री में देख के हैरान हो रहे हैं कि यार यहाँ पर डॉलर का रेट देखो हमारे, क्यों है? क्योंकि हम सुखी हैं, संपन्न हैं, हमारी इकोनॉमी ठीक काम कर रही है। इकोनॉमी क्यों ठीक काम कर रही है? क्योंकि सरकारें हमने ठीक चुनी हैं, सरकारें ठीक काम करती हैं। सरकारें क्यों ठीक काम करें? क्योंकि यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, वो हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं। हमारे यहाँ अभी थोड़ा डॉलर महंगा हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, अभी बवाल शुरू हो जाएगा हमारे यहाँ, और सरकार को कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जिससे ये कंट्रोल में आए।
प्याज के रेट बढ़ते हैं, टमाटर के रेट बढ़ते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, ऐसे कैसे? तो सरकार को इसके लिए कदम उठाना पड़ता है। आपके यहां ऐसा नहीं होता, आपके यहां लोग सड़कों पर इस्लाम के नाम पर आते हैं, बाकी किसी चीज के नाम पर नहीं आते। ये फर्क है भारत में और पाकिस्तान का, बेसिक फर्क है ये, माइंडसेट का फर्क है ये। तो आज माइंडसेट ये दिखाता है कि आज आप 76 इयर्स बाद कहां हैं और आज हम 76 इयर्स बाद कहां हैं। अच्छा, अब इस वीडियो को पाकिस्तान में भी लोगों ने देखा, तो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल में देखा, तो अब पाकिस्तान से कैसे इस पर रिएक्शन आ रहे हैं तो मैं दिखा देता हूं। डेली स्वैग वाले अपने भाई हैं मुजम्मिल जी, तो उन्होंने यही वीडियो दिखा के लोगों से सवाल पूछा है, तो पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन आया है ये आप देख लीजिए। गलियों में निकल के उन्होंने एक्सप्लोर किया हिंदुस्तान को, और उन्होंने करेंसी रेट, उसके अलावा डेवलपमेंट, हर चीज को दिखाने की कोशिश की इस वीडियो में। आप अंदाजा लगाएं कि उनका डॉलर कितना स्टेबल है, कैसे स्टेबल रहता है, कोई भी मुल्क तरक्की कैसे करता है? एक मुल्क जब तरक्की जब भी करता है कि जब उसके अंदर उसकी यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो, मेन चीज एक्सपोर्ट है। जबरदस्त, जब आपके पास एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा। जब अगर आप इम्पोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपका जाएगा, जिसकी वजह से जब फॉरेन एक्सचेंज आपका जाएगा तो डॉलर भी जाएंगे, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत आपकी बढ़ जाएगी। तो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता चीज़ें? ज़ाहिर इंडिया करता है ना, इंडिया यानी कि इंडस्ट्री है ना इंडिया की, इसीलिए वो यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है और इसीलिए वो उसकी यानी कि डॉलर की कीमत स्टेबल है, डबल स्टेबल है। अब क्या कहना चाहेंगे कि हमें कितना टाइम लगेगा इंडिया के बराबर पहुंचने में? ये जर्नलिस्ट तो कहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। यहाँ पर आप पाकिस्तानी ये समझते कि लड़ाई झगड़े मुस्लिम हिंदू ये वो चीज़ें, तो वो कहता कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इन लोगों को तो सिर्फ ये पता कि अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना, पाँचवीं मंशत तो ये बन गए हैं, लेकिन अभी ये दूसरी तीसरी बनने की रेस में है। तो क्या कहना चाहेंगे, हम कब इस रेस में आएंगे, और क्या ये जर्नलिस्ट जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हम इस उस वक्त आएंगे जब हम एक कौम बनेंगे। जब तक हम एक कौम नहीं बन सकते उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। कौम नहीं है हम? नहीं, बेसिकली हम कौम नहीं है, कौम नहीं है, जस्ट लाग एक भेड़ चाल है, हम कौम नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक जैसे जब इकट्ठे होंगे ना, हर किसी का यानी कि फैसला एक होगा, जब एक फैसला होगा तो वो चीज़ तरक्की, जैसे घर आपका है, पांच घर वाले लोग हैं, सब इकट्ठे बैठ के एक फैसला करेंगे तो वो फैसला सही होगा। इंडिया ने इतनी स्टेबिलिटी कैसे हासिल कर ली डॉलर के अंदर, और उनका बढ़ता भी है तो 3-4 पैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं, हमारा बढ़ता है तो 100, 200, 300, हमारे डॉलर ने तो सेंचुरी भी मार चुका है, क्या वजूहत है? सर, हमारे मुल्क में मोनोपोली है कुछ लोगों की, सियासतदानों की मोनोपोली है, या कुछ ऐसा कल्चर है जिन लोगों ने मोनोपोली की हुई है डॉलर के ऊपर, जिसकी वजह से वो उसको होल्ड कर लेते हैं। अब जैसे ही आपका नवाज शरीफ आ रहा है, ये 321 पे गया था, हाँ, तो वहाँ से आपका एकदम रिटर्न हुआ 278 आप कह रहे हैं मे बी, तो 278 कैसे आ गया? हर चीज़ वहीं पे खड़ी है, आपका पेट्रोल भी उधर ही खड़ा है, आपके खाने पीने की चीज़ें उधर ही खड़ी हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी सब उधर ही खड़ी हैं, मे बी कुछ चीज़ें उससे महंगी भी हुई हैं, कम नहीं हुई, उससे अग्रेसिव आगे गई, इंक्रीज हुई हैं। तो वो डॉलर जो है कुछ लोगों की मोनोपोली है, जब उसको दिल करता है उसको कैप्चर कर लेते हैं, जब दिल करता है उसको रिलीज़ कर लेते हैं। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया का मुकाबला करेंगे, क्या इंडिया का मुकाबला करना पॉसिबल है मौजूदा टाइम के अंदर? नहीं, पॉसिबल तो है, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, सिर्फ एक करप्शन का खात्मा, सिंसियरिटी का खात्मा, यहाँ पे किसी को मुकाबला इस सेंस में कर रहा हूँ, इकोनॉमी के लिहाज से मुकाबला हो सकता है? हाँ, मुकाबला हो सकता है, आप सिंसियर हो जाए। सर, उनकी सियासत जो है, जो उनका भी मोदी था कौन था, उसने उनके वाशरूम का इतना बड़ा इशू था, उसने हर जगह वाशरूम बना दिए, कवरिंग की उसने, उसे हर जगह की, क्यों नहीं हो सकता, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में क्या है, आए दिन तो आप हुकूमत चेंज करते हो और जो आता है उसको पता ही नहीं होता कि पॉलिसी क्या है आपकी, वो देखे ना कि उनकी मौशी पॉलिसी क्या है और आपकी क्या है, ठीक है? एक दिन बाद आपसे आज़ाद हुआ है, आप इंडिया का छोड़ा, आप चाइना को ले लें, चाइना का आप देखें कि उनका एक्सचेंज रेट क्या है डॉलर के साथ, वो कहाँ पर मौशी हालत में खड़े हैं और आप कहाँ पर खड़े हुए हो। तो क्या वजूहत है कि यहाँ पर हम अपनी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे? आप देखें ना, महंगाई पर कंट्रोल हो रही है ना, हम यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ पा रहे हैं, तो हम मुकाबला कैसे करेंगे अदर कंट्रीज़ का? जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आओगे तो नहीं कर सकते, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप इलेक्शन करवाओगे। अच्छा, ठीक है, और इलेक्शन करवा के आप कहते हो कि जी आवाम को वोट का हक दें, जो आवाम फैसला करती है फिर उसको माने भी सही ना आप लोग? बिल्कुल सही। तो ये करेंसी का, डॉलर का कीमत नीचे आने पर इससे इकोनॉमी को क्या क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल है, इसमें आप देखें कि जब आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है
तो आप इसका मतलब है कि आप कम पैसों में ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, ठीक है। सिंपल यही है, सिंपल यही है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो जो चीज आपको $2 में मिलेगी आपको $1 में मिलेगी, आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। मतलब ये कि अफगानिस्तान भी हमसे ज्यादा समझदार हो गया, अफगानिस्तान की करेंसी देखेंगे। अफगानिस्तान के पास तो आपको डॉलर है ना, आप संभल कर उनको देते हो, अपने कमीशन खाते वापस आ जाते हो। हमारे जर्नलिस्ट एक नहीं काफी सारे हैं, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने विजिट करके देखा हिंदुस्तान को, एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान हमसे बहुत कासो आगे चला गया डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, हर चीज़ वहाँ पर। कहते हैं कि रोडों के ऊपर सफाई, जैसे यहाँ पर कचरा नज़र आ रहा है, कहते हैं कि एक भी रोड के ऊपर कचरा नहीं है वहाँ पर, इतने वो लोग समझ गए हैं कि भाई सफाई करना ज़रूरी है। तो हमारे हम कितने दूर हैं उनसे? यह तो आपको जर्नलिस्ट जो विजिट कर रहे हैं ना, कंपेरिजन तो वही देंगे ना, मैं तो नहीं गया ना वहाँ पर जी। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो हम उनसे दूर हैं या उनका अगर मुकाबला किसी भी फील्ड में कर सकें तो पॉसिबल है? जी बिल्कुल है, आज से आप शुरू कर लें, ठीक है, अपना किबला दुरुस्त करें तो इंशाल्लाह सारे हालात, कौन सी चीज़ें जो है जो मुमकिन नहीं है दुनिया में, देख लिया आपने। लेकिन कोई इस पर बात नहीं करेगा कि जी हमने अपनी सोसाइटी को, हमने एज ए कॉम, हमने अपने आप को तबाह किया है नफरतों में डालकर, हिंदुओं से, यहूदियों से, भारत से, इससे, उससे, पता नहीं क्या क्या करके, कोई नहीं बोलेगा ये। तो जो असली जड़ है उसकी बात नहीं होगी, लेकिन सुपर मैसेज दिखानी है कि एक मुसलमान जो है वो 100 काफिरों पर भारी है, भारत क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, हमारे पास तो एटम बॉम्ब है और हम एटमिक ताकत है। अरे भाई खाना मिल रहा है क्या? डॉलर के रेट कम हो जाएंगे क्या एटम बॉम्ब से? हो रहे हैं, अभी बाहर से डॉलर आ जाएगा, वो भी भीख में मिले हुए, तो थोड़े डॉलर के रेट कम हो जाएंगे। आपने क्या किया? आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो किया? आपने कोई इनोवेशन की? आपकी एक कंपनी बता दो जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी हो 76 इयर्स में। मैं आपको 100 से ज्यादा कंपनियां इंडियन बता दूंगा जो पिछले 10 साल में यूनिकॉर्न बन गई, 5 साल में यूनिकॉर्न बन गई। तो आप लोग खुद नहीं सुधरते हो, सारा दोष जो है जी राह की साजिश है, तो जी इंडिया की साजिश है, और पता नहीं किस 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 की साजिश है। आपकी कोई साजिश नहीं है, जबकि असल जिम्मेदार आप लोग हैं। आपकी साजिश है अपने ही देश को बर्बाद करने। कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी वीडियो हो गई खत्म। ऑब्वियसली हमें ये पता है, हमने इस पर शायद कल भी एक वीडियो की थी कि इंडिया के अंदर जो डॉलर का रेट है पाकिस्तान के मुकाबले में कई मतलब काफी गुना कम है, 84 है इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर आई थिंक 280 है। 280 हाँ यही था, 280 प्लस नहीं, 280 से 90 के चले खैर, लेकिन काफी ज्यादा 200 रुपए का डिफरेंस है, और ये बहुत ज्यादा 200 रुपए का फर्क है पाकिस्तान इंडिया के। अच्छा बात असल जो मेन है ना, जो अनपढ़ सौ ने बातें की हैं या जो चीजें समझाने की कोशिश की है, उन्होंने पहली बात वीडियो के अंदर उस भाई की पूरा प्लानिंग, वो इंडिया के अंदर गया, उनको वीज़ा मिल गया, इंडिया के वालों ने उनका मतलब कि वीज़ा अप्रूव कर दिया, और वो फिर उधर जब शॉपिंग के लिए शायद निकला या किसके लिए, उसने एक्सचेंज करवाई मनी एक्सचेंज पर, तो उसको पता चला कि हमारा रुपया इंडिया के मुकाबले में बहुत छोटा है, कमज़ोर है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान इतने हालात ख़राब है, महंगाई ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो असल में ना ये वो जिस तरह लोग कह रहे थे, लोग सब कह रहे थे कि ये नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें आपको, आप देखें जो इंडियन है, इंडियंस जो हैं या हिंदुस्तानी जो हैं, वो सदियों से ही बनी हैं, मतलब वो हिंदू थे, हम भी उधर से ही हैं, लेकिन हमने जो है ना थोड़ा सा अपना रवश इख्तियार की, चेंज की, जिसकी वजह से और हम के अंदर, हमारे अंदर क्या हुआ ना, हम इस्लाम के लिए रह गए और ना ही हम दुनिया के लिए रह गए, जिसका नतीजा क्या हुआ, आज हम हाइब्रिड है, जिस पर मैं अक्सर बात करता भी हूँ कि हम प्योर नहीं है किसी लिहाज से भी, हम दो किश्तियों के सवार हैं, हमें कन्फ्यूजन सारी जिंदगी रहती है क्या करना है और क्या नहीं करना। कभी हम सोचते हैं कि चले सारा कुछ छोड़ें और अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दें, कभी हम सोच रहे नहीं अल्लाह अल्लाह छोड़ें और दुनिया के पीछे भाग लेना शुरू कर देते हैं, मतलब हमारे जो है ना मेहनत नहीं रवि नहीं आ रही और हमारे अंदर ईमान नहीं पैदा हो रहा, हमारी बेईमानी है।
लूट मार मेरी बस में ना। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शुरू से ही पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो करप्ट रहे हैं और उन्होंने हालात को खराब ही रखा। इस वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी रग रग में शामिल हो चुकी है बेईमानी। वो जहां भी जाते हैं जो भी करते हैं वो बेईमानी से काम, क्योंकि उनकी जो है ना माइंड इस तरह के सेट हो गए हैं कि बेईमानी के बगैर कोई भी काम नहीं करना है। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो हालत है वो खराब होती चले जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि और भी होगी बेहतर जो है कि उसकी उम्मीद तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि बेहतर करने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा हमारा हुक्मरान नहीं है कोई। ये देखिए जो बंदा हराम के पैसे कमाएगा तो वो जाहिर सी बात है काम भी हराम के ही करेगा। बिल्कुल, जब खाएगा हराम का तो हरकतें भी वही हराम की होंगी। तो यही हमारे मुल्क का हाल है, देख लें 84 वहां पे है डॉलर का रेट, एक डॉलर का रेट, और यहाँ पे 280 या 90 के राउंड अबाउट है, तो 200 का डिफरेंस है। हालांकि इंडिया में 5-10 का डिफरेंस होता वो माइनर सा समझा जाता है, मामूली है उसकी, चले कोई नहीं, लेकिन देख ले पूरे 200 का डिफरेंस है यार। तो इससे पता चलता है कि वाकई यार ना उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, उनके जो वहां पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। आए रोज कोई ना कोई वीडियो देखते हैं कि भाई आज फला जगह पे उन्होंने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया है, फला जगह पे उन्होंने जनाब कोई रेलवे ब्रिज बनाया है, इस तरह रोज उनकी कोई ना कोई आती। और हमारे हमारे यहाँ उसके बिल्कुल उल्ट होता है कि भाई इसको पकड़ लो, उसको जेल में डाल दो, उसको मार दो, उसको लटका दो, उसको फेंटे लगा दो, उसकी टांगे काट दो, बस ये सिस्टम हमारे मुल्क में चला है भाई। कभी इलेक्शन होने वाला है, कभी किसी पार्टी को आगे धर लिया जाता है, तो कभी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो रही है, कभी असम्बली हाल में पंगा डला होता है, और कभी अदालतों में ना कोई हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये भी इंसाफ नहीं करती, और ना कोई इदारे हैं वो भी इंसाफ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे यही हाल होना है हमारे मुल्क का, नीचे से नीचे जा रहा है, और इंडिया है जो ऊपर से ऊपर जा रहा है, तो इसमें हमारा अपना भी फॉल्ट है ना। इस 2 साल अब देख लें इलेक्शन होना है, सुन रहे हैं 8 मेरे ख्याल में 8 दिसंबर या फरवरी को इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन में मैं पहले ही जानता हूँ कि फलां बंदे ने भाई आ जाना है, तो भाई यहाँ पे जमहूरियत का रहा पता चल रहा है, क्योंकि वो देखेंगे पहले नहीं था इधर, तो कोई इलेक्शन की बात ही नहीं थी, अभी आया तो इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी है उन्होंने। तो यही तो बात है मुल्क डूबने की। बिल्कुल, इसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, यह कि अब लेवल जो है वो हार हो चुका, कोई रुकावट नहीं रस्ते में। तो ये किया गया है लंदन प्लान के तहत, और इसका नुकसान पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल बात आलोक सर से मैं सहमत हूँ, मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि जो घुट्टी आप अपने बच्चों को देंगे ना, वही बच्चा अक्सर पता क्या करता है। मैंने कल एक वीडियो शायद की थी हमने, वो आई थिंक इंडियाज फर्स्ट एसी रेलवे टर्मिनल, तो मैं उस पर वो जो जिस नाम पर वो बना गया वो जैसे भाई हिरोशिमा नागासाकी नागासाकी पे एटम बम गिराया गया है ना, जो उस वक्त गिराया गया वो तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन आने वाली कई नस्लों और पीढ़ियों का नुकसान हुआ है। तो आज के जो फैसले यहाँ पे हमारे मुल्क में गलत होते हैं, ये आने वाली कई नस्लों और पीढ़ियों को भुगतना पड़ेंगे। जैसे आलोक सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात है, अगर आज इंडिया बेहतर है ना तो आने वाली कई नस्लों के लिए ये फायदेमंद होगा। बिल्कुल, अगर हमें वाकई में सुधरना ना, हमें अपने बच्चों पर तवज्जो देनी होगी, हमें नफरतें कम करनी होगी या ख़त्म करनी होगी। चले ख़त्म अभी हम नहीं जल्दी इतना कर सकते, कम अगर कम करें, और हमें बच्चों को ये सिखाना है कि मंजिलें हैं आपके सामने और आपको इन मंजिलों को तय करना है, और उन मंजिलों में खड़ूस काले सांप बैठे हैं उनसे कैसे उनके साथ कैसे बंदा निपटे यार, कुछ कैसे बंदा अपनी मंजिल का तो ये इनकार करता है जब आगे जो सांप बैठे हुए उनके। खैर जी, मिलते हैं तब तक, इजाजत, अल्लाह हाफिज़।